Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Rasi Jain, MD-AM, NLP Trainer, Counselor, Coach. Friends, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही important topic पे बात करने वाली हूँ कि how we can overcome jealousy. हम जलन की भावना से कैसे निजात पा सकते हैं. तो friends, ये क्योंकि मानव स्वभाव से बिल्कुल विपरीत काम है, इसलिए important हो जाता है कि हम ऐसी चीज़ों के विषय में जाने जिससे हम jealousy की भावना से उभर सकें. तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्विक और बहुत आसान आसान टेक्निक शेयर करूंगी, जिसको अगर आप अप्लाई कर लें तो आप जलन की भावना से बिल्कुल निजात पा सकते हैं और ये बहुत ही आसान होगा. लेकिन फ्रेंड्स, इन चीज़ों के विषय में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जलन की भावना किन लोगों के अंदर होती है और क्यों होती है. तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के हिसाब से जो नेगेटिव सेल्फ इमेज के पर्सन होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो अपने विषय में अच्छी धारणाएं नहीं रखते, ये कुछ इस तरीके की धारणाएं रखते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे लिए तो कोई भी काम आसान नहीं होता, मुझे तो हर चीज़ मुश्किल से मिलती है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा कंपेरिजन करते हैं, और ये कंपेरिजन भी इस नेगेटिव सेल्फ इमेज के वजह से ही करते हैं. तो कुल मिला के जो नेगेटिव सेल्फ इमेज वाले लोग होते हैं, जो सेल्फ सेबोटाइज्ड पर्सन होते हैं, वो जलन की भावना से बहुत जल्दी ग्रसित होते हैं. और दूसरे ऐसे लोग जिन्हें बचपन में सही मात्रा में लव और अप्रिसिएशन नहीं मिला हो, या जिंदगी के किसी भी मोड़ में जहाँ उन्हें ज़्यादा मात्रा में लव और अप्रिसिएशन की ज़रूरत थी वो उन्हें नहीं मिली, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो जलन की भावना से ग्रसित होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना फ्रेंड्स कि प्यार का भूखा. तो जो प्यार के भूखे होते हैं वो ज़्यादातर इस जलन की भावना से ग्रसित होते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे हमने जाना कि जलन की भावना किन लोगों में होती है, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कि ये जो जलन की भावना है ना, यही सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के असफल होने का. ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से लेता है कुछ कि पर्टिकुलर इंसान को, मतलब जो इंसान जलन की भावना से ग्रसित है, उस इंसान को वो पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं पसंद है जिसके लिए वो जल रहा है, तो चलो उस पर्सन को उस तरीके की चीज़ों से, उस तरीके के अचीवमेंट से दूर रखा जाए, तो इस वजह से वो सामने वाला इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता. इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो ये जलन की भावना है इससे हमेशा के लिए निजात पा लें, ताकि हम लाइफ में ऑप्टिमम ग्रोथ क्रिएट कर सकें. तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जलन की भावना कितने हद तक के आप सोचिए एक इंसान को प्रभावित करती है, उसके ग्रोथ तक को वो रोकने में सक्षम है. इसलिए ज़रूर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया. और कहते हैं कि एक्सेप्टेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस और सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. क्या कहा मैंने, कि जो किसी भी परेशानी को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी किसी भी नकारात्मक भावना को एक्सेप्ट कर लेना, किसी भी बाधा को जो आपके लाइफ में आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना, पहला स्टेप होता है, पहली कुंजी होती है उस प्रॉब्लम से निजात पाने की. तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने ये एक्सेप्ट किया, और सबसे बड़ी बात, आप चाहते हैं कि आप इस जलन की भावना से उभरें. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, हर कोई ऐसा नहीं करता. तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आपने ये स्टेप लिया. तो फ्रेंड्स, अब इसके साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जलन की भावना हमारे बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है. तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी का वो हिस्सा जो इस विषय में बात करता है कि किस तरीके के थॉट्स किस तरीके की बीमारियों को क्रिएट करता है, वो कहता है कि जो जलन है ये सबसे बड़ा कारण होता है आपके बॉडी में हाइपर एसिडिटी का और क्रॉनिक एसिडिटी का और एसिडिटी से होने वाली बाकी जो भी बीमारियां हैं उन सब का. यस फ्रेंड्स, जेलेसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
एंड बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रिएटिंग हाइपर एसिडिटी और क्रॉनिक एसिडिटी इन योर बॉडी। फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस भी आज इस बात को मानता है। जब हम अल्सर के टॉपिक के विषय में बात करते हैं, वहाँ पे एक लाइन आती है कि हरी वरी एंड ईटिंग स्पाइसी कड़ी और जेलेसी, ये सारी चीज़ें जो है अल्सर के कारण बनते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस जेलेसी की भावना से खुद भी दूर रहें और लोगों को भी इसे दूर रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उस विषय में बात करते हैं कि हम कैसे इस जेलेसी की भावना को अपने आप से दूर रख सकते हैं, अपने लाइफ से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप तो ये है, जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही वीडियो में बताया कि ऐसे लोग जो सेल्फ इमेज इशू से ग्रसित होते हैं, वही जो है जेलसी की भावना से ग्रसित होते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सेल्फ इमेज को सही करें। तो NLP जिस साइंस पे मैं काम करती हूँ फ्रेंड्स, उसमें एक अलग से टॉपिक है जिसमें सामने वाले पर्सन के सेल्फ इमेज को अच्छा कराया जाता है, कुछ टेक्निक्स करवाई जाती है उसको, जिससे उसकी सेल्फ इमेज जो है वो इम्प्रूव होती है और उसकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होने लगती है। तो फ्रेंड्स, वो इस वीडियो में कवर कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन भविष्य में मैं फिर इस विषय में वीडियो बनाऊंगी कि सेल्फ इमेज को कैसे अच्छा कर सकें। लेकिन अभी जो हो सकता है वो कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देती हूँ जिसको यदि आप अप्लाई कर लें तो भी आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो सकती है। और एक बात और कि सेल्फ इमेज का अगर आप करवाना चाहते हैं कुछ ऐसे NLP टेक्निक्स जिससे आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाए, तो कोई भी NLP प्रैक्टिशनर जो आपके शहर में, आप उनसे करवा सकते हैं। और इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि उसमें 1-to-1 अगर आप किसी से करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। इसलिए सामने से अगर कोई NLP प्रैक्टिशनर आपको मिले तो आप उसे ज़रूर अपना ये सेल्फ इमेज की इशू को सॉर्ट आउट करवाएं। और जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो भी आपके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं फ्रेंड्स, नो डाउट हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। तो जिस जगह, जैसे आपने सुना होगा कि जिस जगह हम फोकस करें उसके हिसाब से, या जहाँ हम फोकस करते हैं उस हिसाब से हमारे लाइफ में ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये करें कि एक पेपर लें, उस पेपर में हमारी जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन सबको लिखिए, आपकी जो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए और उसे कम से कम दिन में 2 बार पढ़िए, तो इससे आपका जो फोकस है सबसे पहले तो वो शिफ्ट होगा और दूसरा जो आपका सेल्फ इमेज है वो इम्प्रूव होगा। और फ्रेंड्स, इस पेपर को ऐसे जगह रखिएगा जहाँ पे आपकी नज़रें बार बार पड़े, जहाँ से आपका ध्यान उस पर बार बार पड़े, तो ये जो है आपके सेल्फ इमेज को अच्छा करेगी। ये इट मे टेक टाइम, मैं ये नहीं बोलती कि 1 दिन या 2 दिन में ये हो जाएगा, नहीं, ये समय लेगा, लेकिन डेफिनेटली ये आपके सेल्फ इमेज को भी अच्छा करेगा और ना सिर्फ आपकी जेलेसी की भावना को ख़त्म करेगा बल्कि और भी आपके लाइफ के कई प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करेगा जो सेल्फ इमेज से संबंधित होती है। और जो दूसरा बड़ा पॉइंट है जिससे जेलेसी को ओवरकम किया जा सकता है वो ये है कि ये तो हमने कर लिया कि हमने अपने सेल्फ इमेज इशू को अच्छा कर लिया। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जिनको प्रॉपर मात्रा में लव और अप्रिसिएशन ना मिला हो वो भी जेलेसी की भावना से ग्रसित होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात आप बहुत अच्छे से उतार लीजिएगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जब खुद की तारीफ नहीं करता, खुद से प्यार नहीं करता, तो वो दूसरों से कैसे करेगा। इसलिए ये जो आपकी डिमांड है ना कि लोग मुझसे प्यार करें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी तारीफ करें, इसे प्लीज़ ड्रॉप डाउन कर दीजिए और इसकी जगह आप अपने आप को अप्रिसिएट करना चालू कीजिए, अपने आप से प्यार करना चालू कीजिए। और नो डाउट जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया वो आपकी इसमें मदद करेगा। और क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम कोई छोटा से छोटा काम भी अच्छे तरीके से करें तो अपने आप को अप्रिसिएट करें। एज आई डू कि जब भी मुझसे कुछ अच्छा काम होता है, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि मैं
आईने के सामने जाऊंगी या आईना अवेलेबल नहीं है तो जहां हूं कम से कम अपने अंदर ही ये बोलूंगी कि वेल डन राशि, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, ना सिर्फ मेरी सेल्फ इमेज अच्छी होगी बल्कि जो हमारी डिमांड है वो भी पूरी होगी। अपने प्रति फ्रेंड्स अच्छा महसूस कीजिए क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी केयर आपसे ज़्यादा कोई और इंसान नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो इस बात को ड्रॉप आउट कर दीजिए कि वो मेरी केयर करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे प्यार नहीं करता, पता नहीं लोग दूसरे व्यक्ति को तो इतना करते हैं मुझे क्यों नहीं करते, या उसको इतना कुछ मिल गया मुझे कुछ क्यों नहीं मिला, ये चीज़ तो मेरे साथ भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स वैसे भी हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल सकती। और अगर जो तीसरा पॉइंट है वो आपकी मदद करेगा कि आपको भी वो चीज़ मिले जो आप चाहते हैं, और ये जो तीसरा पॉइंट है ये मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स, क्योंकि और ये एक कारण है जिसकी वजह से मुझे NLP बहुत पसंद है। हमारे NLP में कभी भी कंपैरिजन या कभी भी कंपटीशन या कभी भी जेलेसी के ऊपर बात नहीं की जाती। इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है मॉडलिंग की, इसमें कहा गया है कि अगर आपको पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करना है तो आप उस व्यक्ति के नक्शे कदम पे चलिए, उस एक्शंस को लीजिए, उस थॉट्स पे चलिए जिस एक्शंस को अप्लाई करके वो पर्टिकुलर इंसान उस जगह तक पहुंचा है। नो डाउट फ्रेंड्स अगर सीखने की भावना हो तो वो भी जेलेसी को ओवरकम करने का बहुत बड़ा साधन है। और हमारे NLP में प्री सपोजिशन है, एक बिलीफ है कि मॉडलिंग सक्सेसफुल बिहेवियर लीड्स टू एक्सलेंस। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और आप भी 10,000 कमाना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति से जलने के बजाय उसके थॉट्स को एनालाइज कीजिए, उसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि वो मन में क्या विचार रखता है जब वो पैसा कमाने से संबंधित वो उसके विचार क्या हैं, वो लोगों से कैसे डील करता है कि उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं, वो क्या एक्शंस लेता है, क्या उसकी प्लानिंग होती है जिससे वो 10,000 रुपये कमा लेता है, तो उसको मॉडलिंग कहते हैं। तो आप भी अगर मॉडलिंग करें उस चीज़ की जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वैसे पर्सन को ढूंढ के, तो नो डाउट आप भी उस तरीके के रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये इस तरीके से आप जेलेसी से बाहर निकल सकते हैं। आई नो फ्रेंड्स कि ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए वो बहुत क्विक हैं और बहुत ईजी हैं और इसे आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। और मुझे भरोसा है फ्रेंड्स कि अब जब भी आप कभी भी जेलेसी की भावना से ग्रसित होंगे आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर याद आएगी। और मुझे पता है फ्रेंड्स कि आज जो ये वीडियो मैंने बनाई ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस फ्रेंड्स एंड विद दिस आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ डॉक्टर राशिजैन। नमस्ते।